नमस्कार दोस्तों, बीबीसी कंप्यूटर वर्ल्ड के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे बीबीसी के 8879 VB मॉडल की। ये जो मॉडल है कुछ इस तरीके का है आपका। आप देख सकते हैं इसके फ्रंट में एक्रेलिक सीट है, टेम्पर्ड ग्लास नहीं है। तो टेम्पर्ड ग्लास मत समझिएगा, ये आपके एक्रेलिक सीट इसके आगे दी गई है। बाकी स्पेसिफिकेशन और डिटेल्स हम इसके आगे अनबॉक्सिंग में आपसे बात करेंगे। तो अब हम इस मॉडल के अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि जब आप कैबिनेट बाय करेंगे तो आपको उस टाइम पे क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे इसके अंदर, मतलब क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, हम इसका फुल रिव्यू करेंगे। सबसे पहले हम इसकी कैबिनेट को बाहर निकालते हैं। ये हमने कैबिनेट बाहर निकाल लिया। सबसे पहले हम इसके अगर फ्रंट पैनल की बात करें तो ये आप देख सकते हैं ये इसका फ्रंट पैनल है पूरा। ये आपका फ्रंट में इसमें एक्रेलिक सीट लगी हुई है, वो भी मॉड्यूलर है, साइड से आपकी मॉड्यूल की गई है। और इसमें डीवीडी का कोई ऑप्शन नहीं है। ये फ्रंट में आपका इसमें पावर ऑन ऑफ के लिए बटन दिया गया है। अगर हम टॉप पैनल की बात करें तो ये आपका टॉप पैनल में इसके 2 2.0 USB, एक आपका 3.0 USB और रिस्टार्ट का बटन दिया गया है। इसके टॉप पैनल में आपको एक और चीज अच्छी मिलती है कि इसमें आपके देखते हैं, सबसे पहले टॉप में आपका डस्ट फिल्टर दिया गया जो कि मैग्नेटिक है। और इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं आपके यहाँ पे 2 120 mm के आप फैन इंस्टॉल कर सकते हैं टॉप पे। तो ये भी एक इसमें अच्छा फीचर दिया गया है इस मॉडल के अंदर। अब हम बात करते हैं इसके साइड पैनल की। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका साइड पैनल फुल एक्रेलिक सीट है, ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक सीट इसमें दी गई है, जिससे कि अगर आप गेमिंग में RGB या कुछ भी इनसाइड यूज करते हैं तो आपका सारा साइड से आपका डिस्प्ले होगा। और ये आपके एक्रेलिक सीट हो गई। अब हम बात करें अगर इसके अंदर की स्ट्रक्चर की, तो ये आपका इसका अंदर का स्ट्रक्चर है। अंदर के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत ही अच्छा स्पेस दिया गया है। आप इसके अंदर ATX, M ATX, Micro ATX, Mini ATX मदरबोर्ड फिट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पे 2 SSD इंस्टॉल करने के लिए भी स्पेस दिया गया। आप यहाँ पे 2 SSD हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी केबल्स की और स्क्रूज की। तो ये केबल्स की अगर हम बात करें तो इस बार जितनी भी नई कैबिनेट्स आई हैं बीबीसी की, उसमें केबल की क्वालिटी बहुत बेहतरीन दी गई है, हाई क्वालिटी केबल्स यूज किए गए हैं। और स्क्रूज की बात करें तो स्क्रूज भी आपके अपडेटेड कर दिए गए हैं। बहुत ब्लैक कलर के स्क्रूज हैं सारे, पहले सिल्वर कलर के आते थे, अभी ब्लैक कलर के कर दिए। और साथ में आपको चार, आप देख सकते हैं, चार स्क्वायर लॉन्ग स्क्रू भी इसके अंदर दिए गए हैं, जिससे कि आप अपना कोई भी फैन वगैरह अपना PSU के ट्यूब के ऊपर इंस्टॉल कर सकें इजीली। अब ऐसे बात करते हैं कि इसके अंदर टोटल आप कितने फैन इंस्टॉल कर सकते हैं। एयर कूलिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये दो फैन तो आपके फ्रंट में 120 mm के इंस्टॉल हो जाएंगे, दो फैन आपके टॉप में यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। यहाँ पे टॉप में यहाँ पे दो फैन इंस्टॉल हो जाएंगे 120 mm के, एक फैन आपका रेयर में इंस्टॉल हो जाएगा और दो फैन आपके यहाँ पे PSU ट्यूब के पास यहाँ पे दो फैन इंस्टॉल हो जाएंगे। तो टोटल आप इसके अंदर 7 फैन इंस्टॉल कर सकते हैं 120 mm के, और या फिर एक 240 mm का 120 mm का रेडिएटर सामने फ्रंट में इंस्टॉल कर सकते हैं। और हम बात करें इसके बैक पैनल की, तो बैक पैनल में आप देख सकते हैं, एक तो ये आपका एक फैन के लिए स्पेस दिया गया है, उसके बाद ये 7 एक्सपेंशन स्लॉट दिए गए हैं और बॉटम माउंटेड आपका PSU है, PSU हिडन पॉकेट दिया गया है, मींस आपको नॉर्मली नहीं शो होगा, ये ट्यूब इसलिए बनाया गया है इसके अंदर। और स्पेस की बात करें तो कैबिनेट के अंदर आपका बहुत अच्छा स्पेस है, आप बड़े से बड़ा ग्राफिक कार्ड इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, अच्छा खासी स्पेस में मदरबोर्ड इंस्टॉल कर सकते हैं, हार्ड डिस्क वगैरह के लिए इसमें अच्छा स्पेस दिया गया है। और कूलिंग के लिए बात करें तो फ्रंट पैनल में कूलिंग के लिए भी अच्छा स्पेस दिया गया है,
अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्रंट पैनल में एयर के लिए स्पेस अच्छा इधर एक साइड दिया गया है, और यहाँ से आपकी एयर वगैरह जो भी आप फैन वगैरह इंस्टॉल करेंगे वो एयर यहाँ से होगी। और एक ये आपका यहाँ पे भी एयर के लिए टॉप में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे टॉप में भी देखेंगे तो टॉप में भी एयर के लिए स्पेस दिया गया है। तो एयर कूलिंग के लिए भी इसमें फ्रंट पैनल के लिए अच्छा स्पेस दिया गया है, और बाकी आप कैबिनेट में देख सकते हैं टॉप में भी एयर कूलिंग के लिए आपका स्पेस है, बैक में भी अच्छा खासा स्पेस है। अगर हम बॉटम की बात करें तो बॉटम में भी आपका बहुत अच्छा स्पेस एयर कूलिंग के लिए दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं बॉटम में आपका डस्ट फिल्टर भी लगा हुआ है, ये आपकी हार्ड डिस्क की कूलिंग के लिए स्पेस भी दिया गया है। साथ में चार आपके स्टैंड भी दिए गए हैं जो कि आपके एंटी वाइब्रेशन ग्रिप से कवर्ड है, जो कि आपकी किसी तरह की शेकिंग वगैरह होने में या वाइब्रेशन होने में कैबिनेट को रोकते हैं। तो ये हो गया आपका फ्रंट पैनल के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके बैक पैनल की, तो मैं इसका सबसे पहले बैक पैनल खोलता हूँ। तो अगर हम बैक पैनल की बात करें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप यहाँ पे दो ऐसे की हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके साथ साथ ये दो हार्ड डिस्क हिडन पॉकेट भी दिए गए हैं, एनएन सॉकेट इसके अंदर दिए गए हैं। इसके अंदर आप यहाँ पे या तो दो एसएसडी स्क्रू लगा के पीछे से दो एक एसएसडी इसमें और एक एसएसडी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर एक आप दो 3.5 इंच की हार्ड डिस्क इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके अंदर टोटल आप चार एसएसडी या फिर दो 3.5 इंच और दो 2.5 इंच की एसएसडी या नॉर्मल हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये इसकी हार्ड डिस्क की स्पेसिफिकेशन है। डीवीडी रीडर के लिए इस कैबिनेट में कोई स्पेस नहीं है, और पीएसयू की बात करें तो पावर सप्लाई के लिए भी इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है, आप काफ़ी लंबा पावर सप्लाई इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। केबल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ से केबल जाने के लिए स्पेस दिया गया है, और बाकी वायरिंग वगैरह वाटर कूलर अगर आप DIY वाटर कूलर भी इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए भी आप इसमें अच्छी तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें हर तरीके से स्पेस दिया गया है हर चीज़ को मैनेज करने के लिए, केबल मैनेजमेंट के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन दिया गया है। तो ये आपकी कैबिनेट थी। अब इसमें मैं आपको एक लास्ट चीज़ और दिखाना चाहता हूँ इस कैबिनेट का, मैं आपको फ्रंट पैनल खोल के दिखाऊंगा कि आप जब इंस्टॉल करें फैन तो किस तरीके से ओपन करना है। सबसे पहले आपको ये बॉटम में स्पेस दिखेगा, इसको यहाँ से अपने हाथ से पकड़ना है, ऊपर की तरफ पुश करना है। पुश करते टाइम बड़ी सावधानी रखिए, बड़े आराम से इसको पुश कीजिए जिससे कि ये टूटे ना, क्योंकि ये प्लास्टिक का बना होता है, ABS प्लास्टिक का होता है। तो अगर आपके लॉक्स टूट गए तो ये इस तरीके तो आपका ये पैनल लूज हो जाएगा, तो इसलिए इसको आराम से ओपन कीजिए। तो ये आपका फ्रंट पैनल है, ये आप देख सकते हैं फैन के लिए स्पेशल स्पेस बनाया गया है इसमें, और जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था ये आपका फ्रंट पैनल है, यहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपके फैन के लिए इसमें स्पेस दिया गया है, और डीवीडी एडर का वैसे स्पेस बनाया हुआ है लेकिन फ्रंट पैनल में स्पेस ना होने की वजह से तो ये यूजलेस है। बाकी आप यहाँ पे अपना रेडिएटर 240mm का वाटर कूलर या फिर दो 120mm के फैन इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इस कैबिनेट की पूरी स्पेसिफिकेशन और डिटेल्स थी। अगर कोई चीज़ मेरे से रह गई हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन हो कोई इंक्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और रही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और लोग भी इस प्रोडक्ट के बारे में जान सकें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।